बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नवी मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और गणेशोत्सव के दौरान नागरिकों को जरूरी इंतजाम में उपलब्ध कराने पर जोर दिया। चर्चा के दौरान मानसून के दौरान बढ़ने वाली डेंगू मलेरिया की रोकथाम, जरूरी आरोग्य सेवाएं, कोरोना नियंत्रण उपाय करने के साथ ही विविध वार्डों की नागरिक समस्याओं के समाधान की मांग की। देखिए रिपोर्ट। सरकारचा मेसेज पोहोचला पाहिजे की ही महापालिका ही कोणाच्या एकट्याच्या बापाची नाही, दिस बिलॉंग टू पब्लिक। कोणी एकटं याचा कोण अधिकारी असेल, पदाधिकारी असेल, हा मनमानी पद्धतीने त्या निर्णय घेऊ शकत नाही। आणि घेतला निर्णय तो जर जनतेच्या हिताचा नसेल तर त्या माणसाकडून ते पैसे वसूल केले पाहिजे, आणि हा माझा आग्रह आहे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में विविध वार्डों में रुके विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही मानसून जनित बीमारियों की रोकथाम और उपचार सुविधाओं को मुहैया कराने पर भी जोर दिया। पूर्व मेयर सुधाकर सोनाव ने सागर नाइक, अनंत सुतार, नेत्रा सिरके एवं युवा नेता निशांत भगत के साथ पहुंचे। विधायक गणेश नाइक ने कियोस्क बनाने के नाम पर जनता के पैसे लुटाने वाले अधिकारियों पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मनपा किसी के बाप की नहीं जनता की है, इसलिए ऐसे अधिकारियों की जांच कर उनसे ही पैसे वसूले जाने चाहिए। गणेशोत्सव कोविड के बाद में 2 साल कालखंड गया और इस साल में मनपूर्वक लोगों को खुशी मनाने का इच्छा हुआ है, तो उसमें गणपति का मूर्ति का हाइट कितना हो, मंडप का साइज कितना हो, गणपति का आगमन, गणपति का विसर्जन, इस सब बातों में राज्य शासन ने बहुत सहूलियत दी है। लेकिन जब बड़ी पैमाने पे सहूलत दी जाती है तो वहाँ पे कानून का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ होनी चाहिए, खुशी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कानून के और नियमों के अंतर्गत उसको समाने की ज़रूरत है। इसलिए माननीय आयुक्त महोदय से मैंने सूचना की है कि आप आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ के ज़रूरत पड़े तो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मंडल के सब पदाधिकारी उनको बुला के खुशी तो मनाओ, लेकिन खुशी का रूपांतर दुख में न हो जाए। कि एक 2-3 साल पहले इस सीवड में गणपति का विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे और ऊपर वाले ओवरहेड वायर को वो ट्रॉली टच हो गई और हादसा हो गया, एक अपने नागरिक का देहांत हुआ और कई लोग जख्मी हो गए। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी स्तर से मंडप जहाँ पे रखोगे रास्ते पे तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का बंदोबस्त करो ताकि कोई गाड़ी वो मंडप में घुस के कोई ऐसा हादसा, कोई मरने का या जख्मी होने का नौबत ना आ जाए, इसके लिए भी उनको सूचित किया है। यानी इसका मतलब खुशी मनाओ लेकिन उसको भी डिसिप्लिन के साथ मनाओ। इस बारे में पूरी आपके साथी लोगों के साथ मीटिंग करके उसमें से रास्ता निकालो, ऐसा मैंने उनको बोला है। बीजेपी नेता गणेश नाइक ने यहाँ पूर्व मेयर सुधाकर सुनावने के प्रभाग में एसटीपी के लिए आरक्षित जमीन को बेचने पर भी एमआईडीसी अधिकारियों की काली करतूत का पर्दाफाश करते हुए कहा कि कई मामले ऐसे हैं जिसे रोकने की जरूरत है लेकिन महानगर पालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही। उन्होंने एमआईडीसी को दलालों का अड्डा बताते हुए कहा कि इसकी मनमानी के खिलाफ जल्द ही वे अधिकारियों से मिलेंगे और इसे रोकने की मांग करेंगे। शशिकांत भोई जब कॉर्पोरेटर थे तो उस टाइम में एमआईडीसी से जगह ली थी और वो महापालिका को वर्ग किया है, महापालिका को वर्ग किया जमीन, ये लोगों ने प्राइवेट पार्टी को बेचने का इरादा शुरू किया। एक सुधाकर जी सोनावने के जो जिधर रहते हैं वैसे अम्बेडकर नगर के बाजू में जो एसटीपी के लिए प्लॉट रखा था वो महापालिका को वर्ग होने उसको क्योंकि होटल मोटल वाले को उन्होंने बेचने का इरादा कर दिया। अपर्णा गौते उस टाइम में अपन जो रास्ता थाने बिलापुर रोड 14 चौड़ा किया उस टाइम में एमआईडीसी से उसके लिए अपने को प्लॉट मिला था,
वो प्लॉट में महापालिका के ओर से कई चीजें बनने वाली थी, वो प्लॉट भी इन्होंने टेंडर निकाला है, किसी जिसको टेंडर मिला है उसने काम भी शुरू किया है। इसलिए अपर्णा गौते ने लाया हुआ मैटर, सुधाकर सोनानी ने लाया हुआ मैटर और शशिकांत भोयर ने लाया हुआ मैटर, ये तीनों पर निगरानी करके खुद आप ध्यान दे दो, ऐसा मैंने उनको बताया है। और एक दो दिन में हम लोग रीजनल ऑफिस MIDC पहुँचने वाले हैं, और मेरा तो कहना है कि MIDC में तो दलाल थे ही थे, सिंधुदुर्ग के दलाल थे, रत्नागिरी के थे, रायगढ़ के थे, नई मुंबई के थे, थाना के मुंबई के भी थे। और मैं वो MIDC में जो भूखंड जो बिक्री हो गए उस पर इंक्वायरी की मांग करूंगा, मैं जो जिम्मेदार है ऐसे सब लोगों पर उनको पर कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। लोगों के लिए रास्ता रखा है, वो रास्ते में यदि बीच रास्ते में आप लोग होटल को प्लॉट देंगे तो वो जनता की असुविधा होगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुंबई जैसा लगता है, किसी को लगता है कि भाई इस माइल ओन प्रॉपर्टी, यहाँ पे आयुक्त को कोई पूछता नहीं। अभी बात ऐसी कि MIDC में CC देने का क्या है, MIDC का है, लेकिन MIDC में 90% कबाला हुआ है, जहाँ पे वो MIDC में बांधकाम हुए हैं, जो जगह का वापर हुआ है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा तोड़ा गया है, और इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ फंसे हुए हैं कि MIDC में जो भूखंड बिक्री हो गए बहुत गलत ढंग से बिक्री हुए, उसकी पूरी इंक्वायरी करो, उसमें जो अधिकारी और जो दलाल लोग उसकी जिम्मेदार है उन पर कड़ी सख्त उनको सजा मिले ऐसी प्रावधान करो, ऐसे में मांग करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।